हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स एंड रिकवरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अगर हम बात करें कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स की, तो अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकवरी इन कॉन्करेंट सिस्टम्स डिफाइन किया था, जिसमें हमने लॉस मैसेजेस के बारे में, ऑर्फन मैसेजेस के बारे में और लाइव लॉक्स मैसेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए थे विद रिस्पेक्ट टू सम प्रोसेसेस, जिसके हिसाब से हम लोग अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उस चेक पॉइंट तक वापस आते हैं और फिर दोबारे से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में बात किया था। लेकिन अगर हम इन चेक पॉइंट्स के बारे में बात करें या सेट ऑफ चेक पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो हम ये कहेंगे, मान लीजिए किसी एक कोई एक प्रोसेस पी है हमारा, उस पर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही हैं। अब एक रिकवरी पॉइंट हमने ये बना दिया, एक रिकवरी पॉइंट हमने ये बना दिया, यानी कि दीज आर द रिकवरी पॉइंट्स। आर पी मैं रिकवरी पॉइंट ले लेता हूं और ये रिकवरी पॉइंट ले लेता हूं। तो द कलेक्शन ऑफ दीज ऑल रिकवरी पॉइंट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ चेक पॉइंट्स हमारा, क्योंकि कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं जहां पर हमने रिकवरी के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। कोई ट्रांजेक्शन अगर फेल हो जाता है तो इनिशियली हमें इस पॉइंट तक वापस आना होगा। तो बात कर लेते हैं चेक पॉइंट्स की। चेक पॉइंटिंग इन DS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इन्वॉल्व्स टेकिंग अ चेक पॉइंट बाय ऑल द प्रोसेस sites or at least by a set of process site that interact with one another in performing a distributed computation. Jo hamara site hai, that can be treated as a process or the set of process also can be treated as a one site. तो अगर हम बात कर रहे हैं चेक पॉइंट्स की, तो हमें बात करनी पड़ेगी लोकल चेक पॉइंट्स और ग्लोबल चेक पॉइंट्स की। अगर हम इस प्रोसेस पी के बारे में बात करें, तो ये इनके जितने भी रिकवरी पॉइंट्स हैं और इनका सेट बनाएंगे, तो वो हो गए हमारे लोकल चेक पॉइंट्स। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक प्रोसेस P1 था और एक प्रोसेस P2 था, इसके हमने कुछ सेट्स परफॉर्म करे बनाए, तो अब इन सब का कलेक्शन, उसको बोलेंगे हम ग्लोबल चेक पॉइंट्स। तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑल द साइट सेविंग देयर लोकल स्टेट which are known as local checkpoints and the process of saving local state is known as local checkpointing. ठीक, जो अभी हमने बताया। दूसरा क्या है, all local checkpoints one from each side collectively form a global checkpoints. इन सबका collection वो हमारा global checkpoints होता है। तो हमने एक example कोट किया है, उसमें हमने एक strongly कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स के बारे में बात की है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी था, वही एग्जाम्पल के हिसाब से हमने चेक पॉइंट्स डिफाइन किए हैं या सेट ऑफ चेक पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। देख लेते हैं ये क्या है। हमने यहाँ पर तीन प्रोसेस ली हैं, एक प्रोसेस X है, एक प्रोसेस Y है और एक प्रोसेस हमारा Z है। अगर हम इन प्रोसेस की बात करें, तो एक ये पॉइंट हमने बनाया है, एक ये पॉइंट हमने बनाया है और एक ये पॉइंट हमने बनाया है, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन हमने बनाई है। अब ये डॉटेड लाइन हमें क्या कह रही है कि इससे पहले का जितना भी काम हुआ है वो कमिट फॉर्म में है। अगर मैं इन रिकवरी पॉइंट्स की बात करूं, इन रिकवरी पॉइंट्स तक अगर हमें वापस आना पड़ा किसी भी सेट ऑफ प्रोसेस में, तो कोई भी मैसेज ना तो लॉस्ट हो रहा है, ना ऑर्फन मैसेज के जरा ट्रीट हो रहा है, या ना कोई ऐसी लेव लॉक कंडीशन जनरेट हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ चेक पॉइंट्स की बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि X1, Y1 और Z1 क्या है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स इस डायग्राम के अंदर। ये है हमारा सेट ऑफ चेक पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब यहां पर हमारे पास एक X2 है, एक Y2 है और एक Z2 है। अब इसको हम सेट ऑफ चेक पॉइंट्स तो बोल सकते हैं, बट स्ट्रॉन्गली
कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मान लीजिए अगर कोई रिकवरी इस अगर हम वाई प्रोसेस की बात अगर हम करें और यहां पर जाके कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है तो ये अपने इनिशियल पोजिशन यानी कि इस चेक पॉइंट तक आएगा, वो क्या है आपका वाई टू है। लेकिन अगर ये वाई टू तक वापिस आ गया तो ये जो एम मैसेज है ये क्या हो जाएगा, ये एक लॉस्ट मैसेज की तरह ट्रीट होगा। तो उसको हम स्ट्रॉन्गली यानी कि जो सेट है हमारा x2, y2 और z2, इसको हम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट सेट नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ x1, y1 और z1 को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट सेट ऑफ चेक पॉइंट्स। क्योंकि इसमें कोई भी मैसेज, कोई भी ऐसी कंडीशन जो प्रीवियस में हमने रिकवरी इन कॉन्करेंट सिस्टम्स में बताई है, ऐसी कोई कंडीशन अकर नहीं हो रही है। तो ये था हमारा सेट ऑफ चेक पॉइंट्स। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिकवरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है हमारा रिकवरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें हमने क्या बताया है कि रिकवरी कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। सिंपल सी बात है कि वी आर यूजिंग रेप्लिकेशन सिस्टम या रेप्लिका मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी आवर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज रेप्लिकेटेड वेयर अ कॉपी ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। इसको बोलते हैं RDDBS, दैट इज रेप्लिका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो ये क्या कह रहा है कि जो डेटा ऑब्जेक्ट्स की कॉपी है वो डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल है। और क्यों अवेलेबल है? बिकॉज ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जिससे कि कोई भी अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है तो उसको वो डेटा जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट रिकवरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, जो कि हमारा किस पे काम करता है, पूरा का पूरा काम करता है रेप्लिका मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब हमने दो पॉइंट्स लिए हैं रिकवरी प्रोसेस के लिए। पहला पॉइंट है मैसेज स्पूलर और दूसरा है हमारा कॉपियर ट्रांजेक्शन। अगर हम मैसेज पूलर की बात करें तो इट कीप्स ऑल द अपडेट्स डायरेक्टली टूवर्ड्स द फेल्ड साइट, और रिकवरी के बाद जो भी डेटा या जो भी मिस्ड हुआ है वो सारा का सारा क्या होगा, वो फेल्ड साइट सारा का सारा प्रोसेस रिकवर कर लेगी थ्रू दिस मैसेज स्पूलर। नेक्स्ट हमारा कॉपियर ट्रांजेक्शन। कॉपियर ट्रांजेक्शन क्या करता है? कॉपियर ट्रांजेक्शन हमारा जितना भी हमारा जो डेटा है वो क्या करेगा, जो ऑपरेशनल साइट्स हैं उनसे फैच करेगा, जो भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी कॉपी है वो फेलियर ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन ऑपरेशनल प्रोसेस से फैच करेगा और फेल्ड ट्रांजेक्शंस पे या फेल्ड जो भी प्रोसेस फेल्ड हुआ है उस पर अपडेट कर देगा। तो दैट इज ऑल अबाउट कॉपी ट्रांजेक्शन। कॉपी द डेटा फ्रॉम द ऑपरेशनल साइड एंड अपडेट टू द फेल्ड साइड, उसको रिकवर होने में आसानी होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट मैसेज स्पूलर एंड कॉपियर ट्रांजेक्शन। तो ये था हमारा पूरा का पूरा दोनों टॉपिक। और अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।